सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का विस्तार, इसके अंतर्गत जो प्रमुख वंश हुए जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश जो था 1206-1290 ईस्वी तक रहा। इसका प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस तरह दिल्ली का गुलाम वंश का पहला सुल्तान बना और राज्याभिषेक इसका कब हुआ, 1206 ईस्वी को किया गया। कुतुब मीनार जो जानते हैं हम सभी दिल्ली में है, इसकी नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया क्या कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला जो सुल्तान हुआ वह इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के बाद अगला सुल्तान उसका गुलाम और दामाद जो था इल्तुतमिश, वह सुल्तान बना। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर, और उसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था उसका निर्माण अधूरा था, उसको पूरा करवाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश ने 40 गुलामों जो गुलाम रहते थे उनके ऊंचे पदों पर क्या किया, उसे नियुक्त किया ताकि वे उसके प्रति क्या रहे, वफादार रहे। इक्ता प्रथा चलाई, तो इक्ता प्रथा क्या था, इक्तेदारों का जो काम था वह क्या था, अपने प्रांत जो उनको विभाजित किए गए थे उनको संभालना, उनका प्रशासन संभालना, लगान क्या करना, लगान जो टैक्स होता था उसको इकट्ठा करना, और जो अगर प्रांत में अगर कोई विद्रोह हो रहा है तो उसको दबाना था, तो यह एकता प्रथा चलाई इल्तुतमिश ने। अगली सुल्तान रजिया सुल्तान हुई इल्तुतमिश के बाद, उसकी जो बेटी थी और जो राजा हुए वे क्या थे, उतने सुल्तान हुए वे सक्षम नहीं थे, तो उसकी बेटी जो थी रजिया वह क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठी और यह प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान हुई या शासक हुई जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो रजिया ने क्या किया, पर्दा प्रथा को त्याग कर उसने पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल नाम की जगह पर कर दी गई थी। अगला सुल्तान बलवन। रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सुल्तान हुआ वह था गयासुद्दीन बलवन। वह भी क्या था, इल्तुतमिश का गुलाम था जो बाद में सुल्तान बना। वह 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। राज दरबार में सिजदा सर झुकाना और पैबोश राजा के पैर को चूमना, यह प्रथा जो थी इसकी शुरुआत जो बलवन था उसने की। बलवन ने अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लौ की नीति का पालन किया। बलवन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलवन की मृत्यु के बाद कैकुबाद अगला शासक बना। खिलजी वंश का जैसा कालखंड जान रहे हैं हम, 1290 से 1320 ईस्वी के बीच रहा, और गुलाम वंश के शासन जो था उसका समाप्त करके गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की गुलाम वंश को समाप्त करके। जलालुद्दीन जो खिलजी था फिर उसकी हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें जो है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो हुए, अमीर खुसरो की किताबों से क्या होता है पता चलता है। इसके अलावा एक इतिहासकार हुआ बर्नी की पुस्तक जो है तारीख ए फिरोजशाही, इसे भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में गुजरात पर क्या किया, विजय पाया, और उसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा ये आदि राज्यों को हराकर वहां से क्या किया, बहुत सारा धन प्राप्त किया और इन राज्यों को अपने सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपनी सेना में जो भ्रष्टाचार ना फैले
करप्शन ना फैले, भ्रष्टाचार ना फैले, इसके लिए अपने सैनिकों के चेहरे पर ब्योरा या हुलिया प्रथा दर्ज करवाया। ये पूछा जाता है अक्सर, हुलिया प्रथा ब्योरा प्रथा किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने की प्रथा, ये भी शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्य देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया और उसे परास्त कर क्या किया, बहुत सारा धन वहां से लूटा। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा? मलिक काफूर। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमायते खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसान जो है कर के बारे में जानते हैं, किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा क्या करते थे? लगान या टैक्स के रूप में देते थे। कर व्यवस्था था ये खिलजी वंश में। तो जजिया कर जो था गैर मुसलमानों पर लिया जाता था और जकात जो है मुसलमानों से लिया जाता था। ये पूछा जाता है अक्सर, जजिया कर कौन देते थे? तो गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं थे वे, और जकात कर जो मुसलमान थे वे देते थे, जो एक धार्मिक कर था। और यह संपत्ति का कितना होता था? 40वां हिस्सा होता था। अलाउद्दीन ने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को क्या किया था? कड़ाई से लागू किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया पूछा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जून 1316 ईस्वी को हो गई और इसके आगे के शासक उतने ज्यादा सक्षम नहीं हुए। 1320 ईस्वी तक इस वंश का शासन चला या शासन रहा और अंतिम शासक जो था वह कौन था? खुसरो खां, खिलजी वंश का। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगला जो वंश है वह है तुगलक वंश। जो अंतिम खिलजी शासक हमने जाना था पिछले वीडियो में, खुसरो खां था। तो खुसरो खां को हराकर गाजी मलिक, जो गाजी मलिक था या तुगलक गाजी जो था वह क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में क्या किया? गद्दी पर दिल्ली के बैठा। याद रखेंगे, गाजी मलिक, तुगलक गाजी एक ही व्यक्ति है। इसी ने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था क्या किया, बहुत उसकी नीतियां जो थी अपने शासन काल में वे कठोर नीतियां नहीं थी उनकी। पहले के शासक जो थे कठोर नीतियां थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कठोर नीतियों को, पहले के शासकों को जो चलता था उसको त्याग कर छोड़कर उदारता पूर्वक शासन किया। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार जो मंगोल होते आक्रमण किया उसको क्या किया, उसने विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खान किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और जो यह मोहम्मद बिन तुगलक था वह बहुत ही विद्वान था, महत्वाकांक्षी था और दूरदर्शी शासक था। उसने कई योजनाएं लागू की जिसके कारण इतिहास में, हिस्ट्री में उसका नाम क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मुख्य योजनाएं क्या क्या रही उसे हम आगे जानते हैं। उसने दक्षिण में देवगिरी दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। चांदी के सिक्कों की जगह, पहले क्या था, चांदी के सिक्के चलते थे, उसकी जगह तांबा या पीतल के सांकेतिक सिक्के चलाना शुरू किया, पर उतना ज्यादा यह सफल नहीं हो पाया। इसी काल में क्या हुआ, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1313 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। इसके बाद अगला शासक जो था फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा और इसने अपने शासन काल में जो 24 कष्टदायक कर पहले के लागू थे उसे समाप्त करके केवल 4 कर या 4 टैक्स लागू किया। वे 4 कर कौन कौन से थे? खराज एक लगान था, खराज खुम्स था युद्ध में लूट का माल, जजिया और जकात, ये 4 प्रकार के कर
फिरोज तुगलक ने लागू किया, जो 24 कष्टदायक कर थे उसे समाप्त कर सिर्फ 4 करों को अपने शासनकाल में वसूलने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नहरों की क्या की स्थापना की। इसने क्या किया, इनमें मुख्य रूप से हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख रूप से रहे, जहां नहरों की स्थापना की गई फिरोज तुगलक द्वारा। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ, मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग, जिसका नाम क्या है, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात की स्थापना की। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही, किसकी आत्मकथा है, फिरोज तुगलक की फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से बने सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे क्या कहा गया, अद्दा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था, सिमट गया था इसका शासन। और तैमूर लग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में दिल्ली पर क्या किया, आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में सैयद वंश, जो कि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के बीच का सैयद वंश का जो शासनकाल रहा उसके बारे में जानते। तो सैयद वंश का संस्थापक जो था वह था खिज्र खा। इसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया और अपने को क्या दिया, रैयते आला। खिज्र खा ने रैयते आला की उपाधि से ही क्या रहा या खुश रहा। खिज्र खा कौन था, तो खिज्र खा जो था वह क्या था, तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने क्या किया था, खिज्र खा को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खा नियमित रूप से क्या करता था, तैमूर लंग के पुत्र, तैमूर लंग का जो बेटा था, पुत्र था शाहरुख को कर टैक्स भेजता था। खिज्र खा का पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की थी और यमुना के किनारे मुबारकाबाद एक नगर है की स्थापना किसने की, मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक जो सुल्तान था वह था अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ और सैयद वंश का शासन जो था करीब 37 वर्षों तक चला। लोधी वंश जो कि 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के कार्यकाल इनका रहा। और लोधी वंश का संस्थापक की बात करें तो लोधी वंश का संस्थापक कौन हुआ, बहलोल लोधी था। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय, अफगानी राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया या चलाया, बहलोल सिक्के का प्रचलन बहलोल लोधी ने करवाया। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने क्या किया, आगरा शहर की स्थापना की। ये पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी, नया कैपिटल बनाया। गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान जो था वह था सिकंदर लोधी था। भूमि की माप के लिए पैमाना गजे सिकंदरी, भूमि की माप के लिए पैमाना बनाया गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। और इसने क्या किया, मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, मनाही कर दिया कि मुसलमान जो है ताजिया नहीं निकाल सकते और स्त्री जो है पीरों और संतों के मजार पर नहीं जा सकते, ऐसा आदेश निकलवाया। इसका पुत्र इब्राहिम लोधी जो है वह अगला शासक हुआ लोधी वंश का और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के
प्रथम युद्ध में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पानीपत का युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध और जो था इब्राहिम लोदी बाबर से क्या हो गया, हार गया और वह मारा गया। इस तरीके से लोदी वंश क्या होगा, समाप्त हुआ। मुगल वंश की क्या हो गई, स्थापना शुरू हो गई।